हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आज की गुड मॉर्निंग हो रही है 12 बजे, 12:30 बज रही है और आज है सैटरडे। और कल ये लोग गए, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही वीडियो में, ये लोग कल निकले हैं और इन लोगों की ट्रेन थी मतलब भोपाल से। तो हम लोग भोपाल छोड़ने गए थे, मतलब मैं और ऐश्विक भोपाल छोड़ने गए थे। तो इन लोगों की ट्रेन 3 बजे की थी, तो हम लोगों को 10 बजे निकले हम लोग यहाँ से, तो 2 बजे तक पहुँचे थे। क्योंकि रास्ते में लंच भी करा था, लंच मैंने बनाया भी नहीं था और नाश्ता करके ही घर से निकले थे हम लोग। तो रास्ते में लंच करने के लिए रुके, तो उसमें टाइम लग गया करीब 1 घंटा। तो हम लोग 2 बजे पहुँचे वहाँ पर और फिर बस ट्रेन तो इन लोगों की 3 बजे आने वाली थी, हम लोग रुके नहीं, बस इन लोगों को ड्रॉप करा और 2-5 मिनट बातें करी थोड़ी बहुत, फिर हम लोग निकल के आ गए थे। तो हम लोग आए थे, 6 बज गई थी आने में। आने के बाद हालत एकदम पस्त थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी मेरी सुबह। क्या था कि चक्कर चक्कर आ रहे थे मेरे को, तो मेरा एक बार तो मन भी ये हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँ, लेकिन मतलब मोन्टू का मन देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने मना करा ना, तो ऐश्विक को तो अकेला भेजते भी नहीं हम लोग, ऐश्विक के साथ में भी किसी ना किसी को भेजना ही पड़ता क्योंकि लौटते समय वो अकेला हो जाता। वो तो बोल रहा था, बोले कि जाते समय तो मामा है मेरे साथ, तो लौटते समय मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, डर लगता है थोड़ा सा और फिर बोर भी हो जाएगा बच्चा। तो फिर इन्होंने फिर उसका मैंने मन देखा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी हिम्मत करते हैं और चलते हैं। तो फिर आने के बाद भी फिर सिर घूम रहा था मेरा, बहुत सिर घूम रहा था। और आके फिर खाना बनाया, दाल चावल बनाए और रोटी, सिंपल सिर्फ दाल चावल रोटी। और ये आए थे 7:30 8 बजे तक। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। अब आज सुबह से सफाई करने में भिड़ी फिर से, हालांकि कपड़े वपड़े धोने के अभी मैंने कुछ भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि कपड़े धोने का मतलब है कि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। और मेरे को आज से शॉप फिर से कंटिन्यू करनी है और सफाई वाला काम हो गया है, तो अब कपड़े ऐसा हो सकता है ना, कपड़े मैं कल धो लूँगी क्योंकि कल सफाई ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये देखो सब्जी वाले भैया आवाज़ लगा लगा के अपने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को छोटी सी, कि शर्मा जी और ऐश्विक गए हुए हैं दोनों जने नाश्ता करके अपना ऑफिस, और मेरा घर पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। थोड़ा सा अभी कपड़े वपड़े धोने का काम रह गया है, तो धो लेंगे। और ये देखो ऐश्विक जी हमारे लिए एक काम निकाल के गए, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो उसकी राइडिंग जैकेट है ना, उसके अटैचमेंट रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये जैकेट रखी हुई है क्योंकि वो कई बार से बोल रहा है मेरे को मेरी जैकेट वॉश कर दो, वॉश कर दो। और मैं हाँ करवाती हूँ, कर देती हूँ, पर आज फिर उसने बोला कि मम्मा मेरा कर दोगे, क्योंकि उसका हो सकता है कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा हो। तो मैंने कहा तो इसके ना अटैचमेंट निकाल के रख जाए सारे। तो मैं अब ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको मैं वॉश पे लगा देती हूँ ताकि मैं आऊँगी ना तब तक, या फिर दोपहर में लंच करने ऐश्विक आएगा तो उसको मैं बोल दूंगी, वो सुखा देगा। कपड़ा धोने का कोई मूड है नहीं मेरा, मतलब आज वो कपड़े धोने से रिलेटेड, लेकिन सोच रही हूँ ये वाली जैकेट लगा देती हूँ उसकी, ताकि ये सिंगल धुलेगी, इसके साथ कुछ धुलेगा भी नहीं। तो कपड़े हैं भी नहीं वैसे, चद्दर वद्दर ही धोने की हो रही है। वैसे तो रूटीन में धुल रहे थे कपड़े हमारे, पर ना एक दिन लाइट ने परेशान कर दिया, हमारे यहाँ बिल्डिंग की मतलब मोटर ख़राब हो गई थी, तो उस दिन कपड़े नहीं धुले हैं। तो वो बच्चों के कपड़े भी यहीं छूट गए हैं। अब वो या तो भाई आएगा दोबारा तब उसके साथ दूंगी मैं, और या फिर मैं इसको मैं पीछे देख रही हूँ कि प्लांट मेरा कैसा लग रहा है। हालांकि इसमें तो देखने में अच्छा लग रहा है, पर वो थोड़ा सा ना डस्टी हो रहा है, उसकी भी डस्टिंग करनी है मेरे को। तो मैं बता रही थी कपड़े हाँ भाई के साथ चले जाएंगे या फिर रखे रहेंगे, कभी मेरा जाना रहेगा तो मैं ले जाऊंगी। और बस अब मेरा खाना बन चुका है, इनको मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला मैं टिफ़िन दे के जाऊँ आपको या आप आ जाओगे खाने, तो दोनों सी बात बोल रहे थे। तो मैंने कहा आप एक बार बता दो मेरे को, तो बोले मैं आ जाऊँगा खाने। अब देखती हूँ, बोल तो दिया है आएंगे कि नहीं आएंगे, भरोसा नहीं है इनका भी, पर अब बोला है तो विश्वास करना है मेरे को। अब मैं ये लगाती हूँ मशीन में जैकेट, और फिर मैं बस निकलने की तैयारी करती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। मैंने सोचा निकलते समय बातें करूंगी, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही है। लगा डाल तो दी मशीन में मैंने, फिर उसको 2 बार ऑन करा, फिर पीछे मुड़ के देखा कि लाइट नहीं आ रही है। तो मैं सोची 2-5 मिनट वेट कर लूँ और लाइट आ जाए तो जैकेट लगा के
फिर निकलती हूँ मैं। और ये है हमारा आज का लुक, टॉप पहना है गर्मी का पतला पतला मैंने। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। One hour later. चलो बताओ अपने बारे में, कहाँ से आए हो? तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ एक सेलिब्रिटी से आज। अगला फेस उन्हीं का है। मैं बिंदु चौहान, अभी मैं बॉम्बे गई थी, सीनियर फैशन पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया जो कि 55 साल की ऊपर की औरतों के लिए था और पहली बार इंडिया में हुआ है। आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट रिप्रेजेंटिंग मध्य प्रदेश एंड वहाँ पे मुझे बेस्ट कम्युनिकेशन का अवार्ड मिला है एंड आई वॉज इन टॉप 15 ऑल्सो। बधाई हो। थैंक यू। A few moments later. यहाँ अब मैं आ गई हूँ शॉप से घर, तो वही जैकेट जो मैंने धोने लगाया था ना उसको सुखा रही हूँ और सूंघ रही हूँ, इसलिए कि उसमें फ्रेशनेस फील हो रही है कि नहीं हो रही है। वैसे मैं कंफर्ट का जो आता है ना वो डालती हूँ सॉफ्टनर, तो आ रही थी उसमें खुशबू। उसके बाद बस वो खिड़की उड़की बंद करी बाहर से, क्योंकि सुबह चली गई थी जल्दी तो खिड़कियाँ खुली रह गई थी, और खिड़की खुली रहने से एक तो मच्छर आ जाते हैं, और हालांकि जाली की लगी हुई है खिड़की लेकिन उसको भी हमारे चूहे ने काट रखी है, वो तो बता ही रखा है मैंने आप लोगों को। उसके बाद बस बालकनी की लाइट जलाई और चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि थकान हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो ये वैसे तो कई बार हाँ बोल देते हैं कई बार ना बोल देते हैं, तो आज इन्होंने भी राजी हो गए तो हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पियेंगे और थोड़ी गपशप। इस तरीके से गुस्सा करते हो, कभी इतना प्यार से बात नहीं करी जिंदगी में आज तक। बस मेरे काम गुस्से की है आज तक, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छे कदम करे ही नहीं। अच्छे कदम तो उसका अच्छा फल मिला होगा। बताओ कभी आज तक बता दो। वो तो पता थोड़ी जाता है आदमी को, अच्छी चीजों का एहसास नहीं होता, बुरी चीजों का एहसास होता है, अच्छी चीज तो भूल जाता है, अच्छे दिन इंसान के यूं ही निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते, बुरे दिन हाय बुरे दिन हाय बुरे दिन काटे नहीं कट रहे दिन वो है, तो वो अच्छी और बुरी चीजों के पीछे क्या क्या मजारी चेंज करने गर्मी लग रही है। यहाँ मैं वही बोल रही हूँ इनको कि मैं चेंज कर लेती हूँ फिर थोड़ा सा किचन में काम करते हैं, तो बोल रहे हैं नहीं आज तुमको थोड़े से फ्रूट वगैरह लेने थे ना तो वो दिलवा लाता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, शाम के समय ही थोड़ा क्या अच्छा मिल जाता है और ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना तो अपन थोड़ा रिलैक्स होके ले भी पाते हैं। तो हम लेके आए थे लीची जामुन और तरबूज, तो तरबूज तो शर्मा जी उठा के ला रहे हैं, बोल रहे हैं इतना सारा वजन वाला तो मेरे को दे दिया और खुद हल्का हल्का लेके चढ़ गए, तो बस वही आए। अब इनको तो धो के रखूँगी मैं फ्रिज में, लेकिन उसके पहले मैं किचन में जाके डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। मैं खिचड़ी बनाती हूँ, आज शनिवार है, तो जब गई थी हम लोग जैसे फ्रूट खरीदने लेने गए थे उसके पहले ही अनु दीदी आ गए थे, तो उनसे मैंने तैयारी करवा दी थी खिचड़ी की, प्याज हरी मिर्ची टमाटर कटवा लिया और दाल चावल को गला के रखवा लिया था, बस फटाफट ये गल भी जाएगी इतनी देर में, कोई घंटा डेढ़ घंटा लग ही गया था हम लोगों को, और गली हुई बनाओ तो थोड़ी अच्छे से बन जाती है। हालांकि खिचड़ी में कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि आप बनाना सीखें या वैसे भी किसी को नहीं आती होगी, बस मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। खिचड़ी में घी में बनाती हूँ, तो पहले तो सिर्फ जीरे में ही बनाती थी लेकिन यहाँ इंदौर का सिस्टम है राई जीरे में बनाने का, तो एक बार फिर मैंने राई जीरे में बनाई तो तब से मैं भी राई मतलब कंटिन्यू राई जीरा डालने लग गई। तो पहले जीरा राई डालने के बाद मैंने प्याज डाला है और प्याज के साथ ही मैंने नमक डाल दिया है जितना मेरे को पूरी खिचड़ी में लगेगा, मतलब सारा ही एक साथ डाल दिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा ब्राउन हो गई प्याज, ज़्यादा नहीं भुनी है मैंने, तब फिर कटे हुए टमाटर हरी मिर्ची डाल दी और इस समय मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी और कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा ये मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट, और लहसुन का पेस्ट वही वाला काम आ रहा है जो मैंने गार्लिक बटर के लिए गार्लिक बनाया था, क्योंकि उसमें सिर्फ चिली फ्लेक्स गार्लिक और बटर ही है तो वो आराम से इसमें चल जाएगा। तो बस फिर मैंने इसमें डाला गर्म पानी, क्योंकि दाल चावल गले हुए भी हैं और गर्म पानी डाल के बनाऊंगी तो थोड़ा सा सीटी भी जल्दी आ जाएगी, और एक सीटी लगाऊंगी खाली मैं क्योंकि गली हुई दाल है तो एक सीटी में अच्छे से बन जाएगी। और पीछे वाली गैस हमारी थोड़ी कम मतलब छोटी वाली गैस है, और ये देखो मैंने ढोल लिया खूब सारा, मतलब उसमें डाला ना तो इकट्ठे से निकल गया, तो बस पहले इसको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ से क्योंकि वो एकदम दिखता है ना गंदा गंदा तो थोड़ा सा अजीब लगता है।
बस एक सीटी लगाने के लिए मैं रख दूँगी इसको पीछे वाली गैस पे, क्योंकि आगे वाली गैस मैं यही बताई थी आप लोगों को, आगे वाली एक्स्ट्रा बड़ा बर्नर है इसका और पीछे वाला मीडियम है, मतलब लो ही है पीछे वाला, तो मीडियम भी नहीं है, लो फ्लेम है, तो उस पर एक सीटी लगाऊँगी मैं। और ये देखो एक छोटी सी बंदरिया दिखेगी आपको, मुस्कान, नीचे कोई पानी के लिए मीटिंग हो रही है तो उसके लिए बोलने के लिए आई है। फिर बस मैंने ये लीची को इसमें से निकाला, और लीची को तो नहीं धोया है क्योंकि उसको तो धोने की ज़रूरत नहीं है, एक सूखे कपड़े में डाल के उसकी जो डस्ट रहती है उसको खाली बस झाड़ दूँगी। और जामुन को लेकिन मैं धो के रखूँगी, क्योंकि जामुन बिना धोए मतलब इसका कोई ऑप्शन नहीं है, धोना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जामुन को धो के जो मेरी एक फ्रूट वाली मैंने बास्केट ले रखी है ना, उसमें एक बार घुमा लिया तो सारा पानी उसमें निकल गया था। और बस फिर हमारी खिचड़ी में भी भाप निकल जाएगी इतनी देर में, तो डिनर कर लेंगे हम लोग और व्लॉग भी अपना एंड करेंगे इसी के साथ में। आज का व्लॉग, आज का दिन बहुत मतलब बिजी दिन था मेरा। सुबह सुबह पहले तो घर की क्लीनिंग करनी थी पूरी प्रॉपर, और उसके बाद फिर मेरे को शॉप भी जाना ज़रूरी हो रहा था, तो शॉप भी मैं एक बार तो मन हो रहा था नहीं जाऊं, लेकिन फिर मैं चली गई। और जो मेरी फ्रेंड से आप लोगों को मिलवाया मैंने, उनसे आप लोग पहले भी मिले हुए हैं वैसे, तो वो भी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके आए हैं, तो उनको अच्छा लगा उनके बारे में जिस तरीके से मतलब थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिलवाया। तो खुशी हो अगर किसी को देखो किसी भी चीज़ से, तो काम अपने को करना चाहिए, मतलब उनको थोड़ा सा ऐसे हम लोग पेम्पर करें ना तो उनको अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा चलो आपका, उनके एक दो इंटरव्यू अभी पेपर वगैरह जो है ना मैगजीन्स वगैरह के लिए भी लेने आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो फर्स्ट इंटरव्यू आपका मैं ले लेती हूँ, आप सेलिब्रिटी बनोगे ना तब फिर मेरा ध्यान रख लेना कि देखो भाई फर्स्ट इंटरव्यू मैंने ही लिया था। ऐसे करके हम लोग बस कॉमन फ्रेंड बैठे थे सब, महिमा जी हैं एक, उनका नाम महिमा है, एक प्रीति दी बोलती हूँ उनको मैं, उनका प्रीति नाम है, और ये बिंदु जी हैं, और हम सब बस बैठ के मस्ती कर रहे थे क्योंकि कई दिनों से मिले भी नहीं थे। और एक दो फ्रेंड और हैं हमारे ग्रुप की, उन लोगों से भी आप लोगों का मिलना नहीं हो रहा है, कभी देखो उन लोगों से भी मिलाऊँगी। और खिचड़ी खाएँगे हम लोग, दही पापड़ और अचार, और घी तो ऊपर से डालते ही हैं हम। मारवाड़ियों में कहावत है कि घी सुधार है नहीं, खिचड़ी तेरे चार यार, खिचड़ी तेरे पांच यार या चार यार, मतलब यार मतलब फ्रेंड, घी घी चावल दही अचार। तो बस ये हमारी थाली लग गई है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए, और अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।